आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि सोपा ने बृहस्पतिवार को देश के सोयाबीन आयात के आंकड़ों को संशोधित कर चालू तेल वर्ष 2021-22 के लिए 3.5 लाख टन किया है। इससे पहले सोयाबीन का आयात 4 लाख टन रहने का अनुमान लगाया गया था। इस अनुमान में संशोधन का कारण सोयाबीन की कम पेराई और सोयाबीन खली का धीमा उठाव है। तेल वर्ष अक्टूबर से सितंबर तक चलता है। देश ने तेल वर्ष 2020-21 के दौरान 5.48 लाख टन सोयाबीन का आयात किया था। एसोसिएशन ने एक बयान में कहा कि मौजूदा बाजार परिदृश्य, कम पेराई और धीमे खल उठाव को देखते हुए पूरे साल के लिए होने वाली पेराई, सोयाबीन खली की स्थानीय मांग और सोयाबीन आयात अनुमानों को संशोधित किया है। इस वर्ष सोयाबीन की कुल अनुमानित उपलब्धता 124.22 लाख टन में से 111.22 लाख टन चालू वर्ष के लिए पेराई के लिए उपलब्ध होगा, जो पिछले तेल वर्ष के 100.19 लाख टन से अधिक है। फरवरी तक आवक और पेराई दोनों पहले साल की अवधि की तुलना में कम रही हैं। यहां तक कि व्यापारियों और किसानों के पास 1 मार्च तक 75.80 लाख टन सोयाबीन का भंडार था। एक साल पहले 54 लाख टन की तुलना में इस तेल वर्ष में फरवरी तक लगभग 34 लाख टन सोयाबीन की पेराई की गई थी। सोपा के अनुसार मौजूदा तेल वर्ष 2021-22 में सोयाबीन खली का उत्पादन घटकर 27.14 लाख टन रहने की संभावना है, जो पिछले वर्ष 43.10 लाख टन था। सोयाबीन मील का आयात इस बार 4.40 लाख टन होने की संभावना है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।